हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल अमित यूट्यूब चैनल के अंदर। और बस आज की स्टूडेंट वीडियो के अंदर मैं आपको एक चिली कटर बनाकर दिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी मस्त ये चिली कटर है। मैं आपको इसकी पूरी टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने एक एक स्टेप के अंदर इसको समझाया, तो चलो फिर आपसे वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिब्बी का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी डिब्बी है। आप छोटी भी यूज़ कर सकते हो, आप बड़ी भी यूज़ कर सकते हो, तो उसी भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। बड़ी डिब्बी का यूज़ करोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से देख सकते हो, जो कि यहाँ पर जो इसका कवर है, इसके ऊपर आपको जो सेंटर पॉइंट होता है वो निकाल लेना है मार्कर से। मैं यहाँ पर जो कि लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों तरफ, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है इसका ये निकाल लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से देख सकते हो गाइस, जो कि हमारा सेंटर पॉइंट निकल चुका है यहाँ पर। तो इसको हम जो कट करने वाले हैं, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम कौन सी मोटर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइस, जो कि मैं यहाँ पर इसको कट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर मैं 12 वोल्ट की जो मोटर होती है ये लगाने वाला हूँ, जो कि 555 जो वोल्ट की ये मोटर है, जो 555 की होती है। तो काफ़ी अच्छी मोटर है, काफ़ी अच्छा इसका RPM है, तो काफ़ी अच्छा ये वर्क करेगी। तो यहाँ पर जो कि हम इसको कट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो कैंची की मदद से मैं इसको कट कर लेता हूँ इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छी तरीके से कट हो जाएगा कैंची की मदद से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा होल करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं फटाफट से जो इसका होल कर लेता हूँ। तो गाइस इस तरीके से देख सकते हो, जो कि मैंने एक बड़ा होल कर लिया है, और आइट साइड में जो कि मैंने छोटे होल भी किए हैं दो, जहाँ पर हम जो कि स्क्रू लगाने वाले हैं इसको फिक्स करने के लिए। तो इस तरीके से जो कि हम इसको लगाने के लिए छोटे वाले स्क्रू का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देख सकते हो, या आपको इजीली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो मोटर को मैं फिक्स कर देता हूँ। देख सकते हो इस तरीके से, जो कि मैंने मोटर को अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है यहाँ पर, देख सकते हो इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इसके बाद में जो इसका कटर हम बनाने वाले हैं, इसके जो कटर होता है, जो आपको 20 रुपये का एक कटर बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा, तो मेरे पास पुराना कटर था, तो मैंने इसका एक कट कर लिया है। और यहाँ पर पीछे की तरफ मैंने एक जो इस तरीके का वाइट कलर का जो ये होता है, कुछ कोई भी आप पुरानी गाड़ी के अंदर से निकाल सकते हो इसको, जो गियर वगैरह होता है उसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैंने इसको चिपका कर उसके अंदर फिक्स कर दिया इस तरीके से, देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ये वर्क करेगा, आप इसको थोड़ा रफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक होल निकालने वाले हैं, जिससे कि हमारी जो हम मिर्ची इसके अंदर लगाने वाले हैं, तो वो काफ़ी अच्छा वर्क करे। तो यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा होल निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर होल कर देता हूँ। तो गाइस इस तरीके से देख सकते हो, जो कि मैंने एक काफ़ी बड़ा होल कर लिया है, और इसके अंदर जो ये मिर्ची है वो अच्छी तरीके से आ रही है यहाँ पर, देख सकते हो। तो इसके और इसके ऊपर जो कि मैंने यहाँ पर एक जो PVC पाइप की शीट करके लगा दी है, जिससे कि हमारी मिर्ची है वो कटेगी अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से मैं इसको बंद कर देता हूँ, और इसका आप लुक देख सकते हो काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर आप चाहो तो ऊपर PVC पाइप लगा कर इस मोटर को कवर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसके जो वायरिंग है वो कर देता हूँ फटाफट से। तो इसको जो मैं ये 12 वोल्ट का जो सॉकेट होता है, इससे मैं इसको चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके जो वायर है सॉकेट के, मैं यहाँ पर मोटर के अंदर कनेक्ट कर देता हूँ, और काफ़ी सिंपल इसके कनेक्शन है, तो आपको डायरेक्ट इसके अंदर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से देख सकते हो, जो हमारा ये कनेक्टर है वो कनेक्ट हो चुका है। अब जो मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरीके से वर्क कर रही है। तो ये 12 वोल्ट का चार्जर है मेरे पास, तो मैं आपको इसे चलाकर दिखा देता हूँ। तो गाइस इस तरीके से देख सकते हो, काफ़ी इसकी रफ्तार है। अगर आपका हाथ अगर आ जाता है, तो आपका हाथ भी इसके अंदर कट सकता है, तो आप इसको थोड़ी सेफ्टी से करना। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी इसकी रफ्तार है। तो गाइस मैं आपको अच्छी तरीके से इसकी पूरी टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, मैंने इसकी पूरी टेस्टिंग के लिए मैं इसको तैयार कर लिया हूँ, और आपके सामने मैं इसको पूरा कट करके दिखाने वाला हूँ जो मिर्ची हमारी। तो इस तरीके से जैसे हम मिर्ची को इसके अंदर आपके सामने में लगाकर दिखा रहे हैं, जैसे मैं इसके अंदर लगा देता हूँ, तो गाइस जो ये मिर्ची है पूरी जो कट कर है वो एकदम छोटी छोटी आपकी कट कर देगी, और काफ़ी अच्छी मशीन वर्क करी है। यहाँ पर देख सकते हो पूरी जो मिर्ची है वो कट होकर पूरी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊँगा पूरा यहाँ पर निकाल कर। तो यहाँ पर देख सकते हो दूसरी वाली मिर्ची मैंने लगाई है, तो ये भी पूरी कट हो चुकी है। तो मैं आपको अच्छी तरीके से इसको कट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पूरी ये मिर्ची जो कट हो चुकी है, तो मैं इसको आपको खोल कर दिखा देता हूँ। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये एकदम रियल है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा ये वर्क करी है, और आप इसको कहीं पर भी जैसे सलाद हम कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो, सब्जी के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ये
वर्क कर रही है हमारी काफ़ी इसकी जो रफ्तार है। तो फाइनल गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को हेलो फटाफट से सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना, जैसा कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। चलो मिलते हैं अगले ऐसी वीडियो के अंदर।